यह वीडियो पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है जिसको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर रिसर्च करके बनाया गया है। कृपया वीडियो को धैर्य से और पूरा देखें। वीडियो में दी हुई जानकारी को सभी भारतीय लोगों को जानना अति आवश्यक है और अगर इस वीडियो से किसी पोर की या भारत में बैठे किसी पाकिस्तानी लवर की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो वो अपनी भावनाओं की बत्ती बनाए और 56 इंच अंदर अपने पिछवाड़े में डाल ले और दफा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई ट्यूब्रो ऑफिशियल की। तो भाई ट्यूब्रो भाई ने इस वीडियो में जो है जो पाकिस्तानी चैनल हैं उनकी पोल खोली है और भाई उनकी बेइज्जती की है और सच्चाई भी दिखाई है कि जो हमारे इंडियंस हैं भाई कितने मतलब इतने सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं उन पे इंडियन विजिट करते हैं जबकि इंडियन कंटेंट पे कम देखते हैं। तो उसकी सच्चाई भी दिखाई है कि ये लोग जो है यूट्यूब पे कुछ और बोलते हैं और सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ और डालते हैं और साथ में भाई जो ये जैसे माय फर्स्ट विजिट इंडिया इंडिया करके टाइटल डाल के और बहुत सारा व्यूज इकट्ठा कर लेते हैं इंडिया से। तो आज उन्हीं को रोस्ट किया है। तो वीडियो भाई बहुत मज़ेदार है और मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और आप लोगों को उनकी सच्चाई भी पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। और भाई ट्यूब्रो भाई के जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाके उनकी और सारी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स द्वारा फर्जी रिएक्शन की बार तो पहले ही आई हुई थी, अब उनके द्वारा एक नई सुनामी आई हुई है और वो सुनामी है माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया की। जिस भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को देखो माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया। अब एक तरफ मैं जिसका इनकी ये बकचोदी देखकर ये रिएक्शन था, मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा तुमको, न्यूगांव में खिल्ले ठोक दूंगा पेड़ में टायर में ठीक। और दूसरी तरफ इनकी इंडियन ऑडियंस खुश कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया का विजिट कर रहे हैं और जैसे ही लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया चूना लगा दिया। मतलब भाई बंदों ने 4x4 के रूम में बैठकर पूरे इंडिया का विजिट कर डाला। कोई गुजरात का विजिट कर रहा है तो कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का विजिट कर रहा है तो कोई हैदराबाद का। और हद तो भाई तब हो गई जब बंदों ने वीडियो के टाइटल में यही लिख डाला, हेलो इंडिया आई मीन न्यू दिल्ली। और अगर वीडियो देखकर दिल्ली वासी तूने मेरे को ये ना समझाई गया। और ये हाल सिर्फ इसका नहीं है, पाकिस्तान के सभी रिएक्शन चैनल्स का ही यही हाल है। बंदे 4x4 के रूम में बैठकर वीडियो बना रहे हैं और लोगों का चूतिया काटने के लिए वीडियो का टाइटल हेलो इंडिया आई मीन मुंबई। भाई इन बंदों का बस चले तो चार दीवारी में बैठकर मून मार्स सन यहाँ तक कि ब्लैक होल तक का विजिट कराएं और इतना सब चुतियापा करने के बाद यूट्यूब पर वीडियो डालकर कहें ओह माय गॉड आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। अब भाई एक तरफ ये बंदे इंडिया से प्यार मोहब्बत अमन शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन पोर्कियों की हकीकत। इंडियंस के लिए जो पैगाम है उनके लिए वो एक मैं शेर में बयान करूंगा, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, गज़वे हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। मतलब बंदों को यूट्यूब पर व्यूज खाने के लिए इंडिया की तारीफ में फटे भी जाना है और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद भी करना है। और भाई ये कोई और नहीं है जो इस तरह की पोस्ट कर रहा है, ये है कुछ चमन चूतिए भारतीयों का चहिता पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो, जो एक तरफ तो यूट्यूब पर इंडिया से अच्छे संबंध बनाने की बात करता है और दूसरी तरफ फेसबुक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और साथ में इस जिहादी का फोटो भी लगा हुआ है। क्या रे भीख मंगिया हलवा ही क्या? अब भाई ये मत सोच लेना कि ये फर्जी पोस्ट है, इसके यूट्यूब पर दिए गए एफबी लिंक पर ही क्लिक किया है और जब मैं इसके एफबी पेज पर पहुंचा तो देखा मतलब भाई इन बंदों की हराम जादगी देखो, बंदों को इंडिया को लानत भी भेजनी है, बॉलीवुड का बॉयकॉट भी करना है, मोदी जी की ऐसी तैसी भी करनी है, भारतीय फौज पर कमेंट भी कसना है और साथ ही साथ इनको व्यूज भी किससे चाहिए होते हैं, इंडिया से। बड़ा हरामी हो। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि इन झोपड़ी वाले जिहादियों को भारतीय लोग भर भर के व्यूज भी दे देते हैं जबकि इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का भारत के लिए प्रेम। अब भाई ये पोस्ट देखो, इंडियन आर्मी चीफ का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान, वजीर आजम इमरान खान का जंग के बाद ताजमहल को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान। मतलब बंदों को न सिर्फ गजवाए हिंद करना है बल्कि ताजमहल पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी में तब्दील भी करना है। अरे तेरी बहन का जिहादी मारूं, एक वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे को उड़ा रहे हो, मुल्क का मुगले आजम भीख मांगता फिर रहा है, खुद का अगर खुद इंडिया से व्यूज की बदौलत चल रहा है और तुम्हें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है जबकि इन पोर्कियों के मुल्क की हालत। अबे साले आटे के लाले पड़े में, आटे के लाले पड़े में, आटे के लाले पड़े में जिंदा कौम। अबे
साले। भाई लोग पूरा सॉन्ग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या यूट्यूब पर सर्च करें ट्यूबरो म्यूजिक। जलवा है हमारा। भाई इस बंदे के एफबी पेज पर नजर डालोगे तो इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हुए पोस्ट से भरी हुई है। लेकिन अगर इनके यूट्यूब चैनल की वीडियो देखोगे तो आप कहोगे मैं तो तेरे को हरामी समझता था तो तुमने यूं मार उस निकला। भाई ये सिर्फ हरामी नहीं है, ये साले मादर भी है जो फर्जी रिएक्शन के नाम पर इंडियन लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। और कुछ इंडियन लोग हैं कि इन बंदों को अपना मसीहा मान बैठे हैं। जरा भी कुछ हो जाए बंदे इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और भाई मैं गारंटी दे रहा हूं इन बंदों की असली औकात सामने लाने के बावजूद भी कुछ इंडियन बंदे अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखेंगे इन्हीं का वीडियो ही, चाहे ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल इंडिया के खिलाफ कितना भी जहर क्यों ना उगल दे। और क्यों? क्योंकि दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर चाहे ये जो करें लेकिन YouTube पर तो इंडिया पाकिस्तान के अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं। अबे अकल के अंधों, ये इंडिया के खिलाफ YouTube पर बोलेंगे ही क्यों जब इंडियन लोगों से इनकी भर भर के कमाई हो रही है। अपने पैरों पर हथौड़ा थोड़ी मारेंगे। और भाई तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान से अच्छे संबंध करने की तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी खुजली क्यों मची हुई है? जिन देशों से पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं वो देश कौन सा पाकिस्तान से खुश है? तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? भाई इतिहास गवाह है, पाकिस्तान से जिसने दोस्ती की वो हमेशा नुकसान में ही रहा है। फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। अब चीन, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों को ही देख लो, बंदे हर साल पोर्कों को अरबों डॉलर्स की भीख देते हैं और इन देशों को पाकिस्तान से बदले में कितने रुपए मिलते हैं? जीरो, शून्य, एकदम शून्य। और यही हाल है पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का। इंडियन एड का रुपया यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसको ये इंडिया के खिलाफ ही आतंकवाद फैलाने में लगाते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ भारतीय लोग जो इनकी वीडियो धड़ल्ले से देखते हैं। भाई मेरा इन पाकिस्तानी जिहादी रिएक्शन चैनल पर तो खून खोलता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुंदस आती है उन भारतीय लोगों पर जो इनकी फर्जी रिएक्शन वीडियोस देखकर इनकी डॉलर्स में कमाई कराते हैं, जबकि यही पोर्की इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेरा मेरा क्या अरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई इनकी वीडियोस देखने वाले भारतीय लोग तुम ये बताओ कब खून खोलेगा रे तेरा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अगला पार्ट आएगा। सेम ऐसा ही एक भाई ने कमेंट में भी कहा था, फटाफट ये रोस्ट करो तो तुमको दूसरा रोस्ट मिलेगा। तो भाई तू एक बात बता, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हैं? भाई ये तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाओ। एक एक करके हम तुम इन बंदों को मिलकर पेलेंगे, क्योंकि पोल्टो को इनकी औकात दिखाने की आई है। क्या आवाज है भाई, फर्स्ट विजिट इंडिया भाई आपका, मतलब आपने तो नहीं किया? बात क्या किया था? नहीं किया वो, मैं अकेले ही बैठा था। लेकिन शुक्र है भाई, वो वीडियो मैंने तो भाई उड़ा दी थी। मैंने बोला नहीं तो मेरी भी साल मौत आ जाएगी। लेकिन वो लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो भाई अब माई फर्स्ट विजिट तो थम गया है, तो शुक्र है। इसलिए तो भाई बहुत खुशी होती है कि जो चलाने वाला है उसी ने रोक दिया। अच्छा भाई वो उसका क्या नाम था, मुजम्मल साहब? हाँ मुजम्मल कुरैशी साहब थे। बड़े बड़े भोले लोग हैं, इनको क्या पता यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये उसका डायलॉग काफी फेमस है, बड़े भोले लोग, बड़े भोले लोग हैं। लेकिन देखो यार वो वाली उसकी वीडियो हमने भी देखी थी ना, हम भी एकदम हमारा भी ऐसी रिएक्शन था कि भाई वाकई बंदा भी इंडिया में चला गया। सही बात भाई, मुकद्दर इसके अच्छा हुआ कि इंडिया में चला गया। जब भी यहाँ क्लिक किया तो पता चला कि वीडियो कॉल पर गया और नहीं दूसरे दिन भाई मैं दूसरे दिन सही शौक हुए थे, जिस दिन उसने बोला था आई एम इन दिल्ली, दिल्ली में खड़ा हूँ भाई, और साथ में उसने अपनी पिक्चर लगा दी वहां से खड़ा हुआ। हमने बोला भाई दिल्ली गेट पर बंदा पहुंच गया, लेकिन जब ओपन किया उसकी वो एडिट करके इंडिया में पहुंच गया था, हमने भी भाई परेशान। काफी भाई ये ट्रेंड चला है, लेकिन लोगों ने काफी मतलब के विजिट भी किया। एक लिहाज से ये ठीक भी था तो एक दूसरे लिहाज से ये गलत भी था। हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पल होते हैं। सही इसलिए था कि अगर नीयत उनकी यही थी ना कि हम इंडिया के लोगों की जो उनकी तरक्की है वो देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें और इसको अपने ऊपर भी लागू करें, अपनी कौम के ऊपर भी लागू करें और तरक्की करें, इस तरफ जाएं, तो ये तो बिल्कुल ठीक था। और गलत नेगेटिव इसलिए था क्योंकि इंडिया कुछ ऐसे हो सकती है स्टेट्स या कुछ ऐसी जगह हो सकती है जो कि प्राइवेट हो, जिससे यह भी नुकसान होता है। जारी बात है इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात शुरू से अच्छे नहीं है, या इनकी वीडियो से हो सकता कोई ऐसा एरिया नज़र आए या कोई ऐसा सीन नज़र आ जाए पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ जाए
जिससे वो आने वाले वक्तों में कोई गलत फ़ायदा उठा सके। तो इस वजह से ये गलत भी था, इसका नेगेटिव भी था, पॉजिटिव था, लेकिन ज़रूर ये ज़रूर था कि ट्रेंड बहुत बड़ा था उस ट्रेंड। भाई जान बात तो देखी जाए ना तो जितने भी ट्रेंड चल रहा है ना, जो बाकी हकीकतन वो इंडियन पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग, वो इंडिया पे रिएक्शन देते हैं और अपने दोस्त जो होते हैं इंडिया के वो दिखाते हैं, अपना मुल्क दिखाते हैं, अपना शहर दिखाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे दहशतगर्दी भी होती है अगर देखा जाए ना, तो ये तो भाई कह रहा है ऐसे मेरे ख्याल में कुछ होता नहीं है। इनके इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे जो बुरा सोचते होंगे, बुरे ख्याल रखते होंगे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ता है यार, काम नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आपकी बुराई करते ही करते हैं। वैसे पाकिस्तान को चाहिए तो ये है कि आटे का कोई मतलब बड़ा करे, हमारे पास वाकई इसमें हकीकत है, हकीकत जिसे कहते हैं वो है, हमारे पास आटा नहीं है, हम क्या करेंगे खाने के लिए, जो आटा है वो नहीं है। और भाई इस बात में आपसे कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं और कुछ नेगेटिव्स होती हैं, आप नेगेटिव को देखें पॉजिटिव को छोड़ दें, पॉजिटिव को देखें नेगेटिव को छोड़ दें, तो ये ज्यादा ही होगी। आपको दोनों साइड्स देखनी पड़ेगी। जैसे उसने ये भाई का चैनल ये जो उठाया, उसने कहा ये रिएक्शन दे रहा है इंडिया के लिए, वो इंडिया के शाही बयान कर रहा है। अब ये पोस्ट भी उन्होंने पेज उठाया, मैं भी कोई हो सकता उसमें रॉन्ग या प्रोडक्शन हो होती रही, पर इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती। ना जो हकीकत भी हो, लेकिन कुछ आज पाकिस्तान में कितनी आबादी, इंडिया में कितनी जी। तो ये थी वो वीडियो, इसमें आप लोगों ने देखा कितने मजे तरीके से वो रोस्टिंग कर रहे थे, मतलब मैं कहती हूँ कमाल की रिटिंग की गई है, हुई भी पाकिस्तान की रोस्टिंग है। बट आप लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना इस चीज को, तो लेकिन मैं एज अ हार्टली कहूँ तो मैं इनकी एडिटिंग को बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करती हूँ। मैं सीधा कहूंगा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि ये बड़ी, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था सिक्योरिटी के लिहाज से, और मैंने कहा कि ये बड़ी अनएथिकल लग रहा कहते हैं कि जनाब आप इस तरह से जो है ना अपने कमरे में बैठ के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप घर में बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो और आपने इसका मतलब वो जगह विजिट कर ली, ऐसा नहीं होता। एक तो लॉजिक अप्लाई नहीं होता, दूसरा सिक्योरिटी आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से, मतलब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो यार, कोई अकल को हाथ मारो। तीसरी बात कि इस तरह के बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि वैसे तो कहते हैं कि हम अमन की, शांति की, पीस की बात करते हैं, आप उनकी वीडियोस देखेंगे उनमें ऐसी बातें भी होंगी, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करें, सोशल मीडिया पे डिफरेंट उनके जो और अकाउंट्स हैं वहाँ देखें, तो वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। देखें सार्केज़्म और मैं कहूँगा कि और किसी का मजाक या फिर किसी को खिल्ली उड़ाना जिसे हम कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबरों की ऐसी धुलाई करते हैं ना ये, कि मज़ा आ जाता है वीडियो देखने का। और पाकिस्तानी यूट्यूबर भी वैसे ना कभी कश्मीर में पहुँचे होते हैं सभी के सभी, कभी अभी सारे माई फर्स्ट विजिट इंडिया, मतलब दिमाग सा खराब करके रख दिया इन्होंने। एक्चुअली बात बता, हमने भी कुछ यूट्यूबरों का साथ दिया था हिमालय के तौर पे, चलो कोई बात नहीं है ना, जब स्ट्राइक पड़ी थी इनको, तो जब इनकी हरकतें ऐसे देखते हैं ना कभी, तो मन में फिर आता कि नहीं यार। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और टोबिरो भाई ने जो भी बात बोली है सच बोली है भाई। इंडियन लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि पाकिस्तान वाले भाई यहीं इंडिया से इतना व्यू लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे कितने इंडियन भाई हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, उनके वीडियो पर जो है व्यूज़ कम आते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि, और अभी साथ में एक एग्जाम्पल भी दिखाया कि भाई वो जो पब्लिक रिएक्शन शो वाला चैनल है उनका, उसकी रियलिटी दिखाई, ऐसे भाई सबकी है। अगर इनके ऊपर अगर जैसे ढूंढना शुरू कर देना कि ये लोग, इनकी थिंकिंग क्या है और ये क्या लोग सोचते हैं, ये तो वीडियो आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसमें जो है इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, लेकिन ये भाई इनका बैकग्राउंड ऐसा ही है जैसा भाई ट्यूब्रो भाई ने दिखाया है। तो ये रियलिटी है, और इंडियन लोगों को भाई ये समझ में आता नहीं है कि मतलब, और ये ऐसा नहीं है भाई पाकिस्तान में, ऐसा ये लगा लो कि इतने रिएक्शन चैनल हैं और सारे इंडियन कंटेंट बेस्ड हैं, एक भी पाकिस्तानी कंटेंट बेस्ड नहीं है, और उनको देखता कौन है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारी उस पर हैं, क्या बोलते हैं, चैनल अभी नए बन भी रहे हैं और उन पर बहुत सारे इंडियन कंटेंट पर रिएक्शन आते हैं, और यहाँ इंडिया से उनको भर भर के व्यूज़ मिलते हैं। तो और ट्यूब्रो भाई ने जो, और ऊपर से बताओ यार, वो
अगर तू इंडिया एक चैनल चला रहा है जो भी है पब्लिक रिएक्शन शो, और इंडियन से व्यूज लेता है, ऊपर से भाई फेसबुक पे तू ऐसी ऐसी चीजें, मतलब इनके यहाँ का जो जाहिलपना और जिहादीपना भाई वो कभी नहीं जाएगा। तो ये भाई इंडियंस जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है, और हमारे यहाँ के जो व्यूअर्स हैं तो उनको भाई खासकर ट्विब्रो भाई ने ये मैसेज दिया है कि भाई वो लोग जो है यार देखना है वीडियो तो अपने किस पे वो रिएक्शन देते हैं, हमारे इंडियन कंटेंट पे ही तो देते हैं, आप इंडियन कंटेंट वाला वीडियो देखो। तो ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई कि अगर उनको कुछ बोलोगे तो वो उल्टा ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी इससे कि ये इसने बोलना इसके बोलने से कैसे करेंगे। हमारे यहाँ यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है भाई, सदियों से है। तो ये चीज़ों का भाई ट्विब्रो भाई ने जो बोला है भाई फ़र्क पड़ता है, और मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि क्योंकि ये लोग पता है क्या सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान अभी उस लायक नहीं है कि इंडिया के साथ कुछ कर सके, लेकिन जिस दिन ये उस लायक होगा ये बाज नहीं आएगा उन चीज़ों से, और ये फिर करेगा इंडिया के साथ कुछ ना कुछ। लेकिन ये है कि अभी वो कमज़ोर है, जैसे कहते हैं पैसे और बहुत चीज़ों से कमज़ोर है, इस करके वो अभी पंगा नहीं ले रहा है इंडिया से। लेकिन आने वाले टाइम, क्योंकि भाई वो जो जिहादे पाल रहा है ना, और अभी निकलते ही जा रहे हैं उसके जिहादी, छोटे छोटे बच्चों के मैंने व्यूज़ देखे हैं, रिव्यूज़ जो इंडियन रोस्ट करते हैं, बहुत सारे मीम्स बनाते हैं, तो उसमें भाई छोटे छोटे बच्चों का भी देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो इंडिया के बारे में, तो वो बड़े होके क्या बोलेंगे, यही वो जब भी उनको मौका मिलेगा भाई वो भी हाथ साफ करेंगे जैसे पीछे पाकिस्तान करता आ रहा है। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी होगी भाई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।